हाय फ्रेंड्स, अगर आपने YouTube चैनल नया नया बनाया है तो आपके ये वीडियो काम के होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से अपने वीडियोज पे आप थंबनेल लगा सकते हैं, वो भी दो ट्रिक के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, दो ट्रिक के साथ। मैं हूँ ब्रिज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिज टेक। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हम जानेंगे किस तरह से हम यूट्यूब पर अपने थंबनेल लगा सकते हैं जो अपना वीडियो है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम नए नए होते हैं और कुछ चीज़ें हमको नहीं पता होती हैं, बट थंबनेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे वीडियोज के लिए और हमारी रैंकिंग कराने के लिए। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से थंबनेल लगा सकते हैं अपने वीडियो में, और भी दो ट्रिक। दोनों ट्रिक मैं आपको इस तरह बताता हूँ फ्रेंड्स। पहला ट्रिक है, आप क्रोम ब्राउजर से जाके आप थंबनेल लगा सकते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब स्टूडियोस लगा सकते हैं। ये दो ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लाइफ में और आपके यूट्यूब चैनल के लिए। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोम की। तो हम क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे और वहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यूट्यूब डालना है। तो यूट्यूब जैसे डालेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको राइट साइड कॉर्नर पर थ्री टिक दिख रहा होगा, उस ऑप्शन आपको क्लिक करना है और नीचे जाना है डेस्कटॉप साइट पर। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट होता है, इससे क्या होता है हमारे मोबाइल के जो ब्राउजिंग फीचर होते हैं वो डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेस्कटॉप साइट की तरह चलने लगते हैं। तो उसमें टिक कर देंगे तो हमारा जो ये ब्राउजर है वो डेस्कटॉप की तरह ही ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा ओपन था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। राइट साइड कॉर्नर पर मेरा जो है यूट्यूब का चैनल लोगो दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको भी अपना लॉगिन कर लेना है अपने चैनल का यूट्यूब पर। और उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जाना है, राइट साइड में ही जाना है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूट्यूब स्टूडियो दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो यूट्यूब स्टूडियो जैसे क्लिक करेंगे आपको आपका चैनल का नाम जो है वो दिख जाएगा और अपने यूट्यूब स्टूडियो से जाके वहाँ पे थंबनेल लगा सकते हैं, वो भी क्रोम ब्राउजर से। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा, यूट्यूब जो है आपको एक प्रोवाइड करता है खुद का स्टूडियो जिस पर आप अपना थंबनेल लगा सकते हैं, और ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, गूगल प्ले पे भी जाके डाउनलोड करना होगा ये आपको। तो प्ले स्टोर पे जाके हम आपको YT स्टूडियो डाउनलोड करना होगा। YT स्टूडियो जैसे लिखेंगे उसके बाद आ जाएगा, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जैसे ओपन करेंगे उसमें आपको लॉगिन कर लेना है फ्रेंड्स। तो लॉगिन करेंगे, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे थ्री टिक दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे वीडियोज पे क्लिक करना होगा, और आपके जितने भी वीडियोज होंगे, जितने नए से लेके पुराने, जो भी अपलोड अगर आप रिसेंटली भी अपलोड कोई करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो भी आपको शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस पर क्या करना है, हमको उस पर थंबनेल लगाना है। हम उस पर थंबनेल लगाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थंबनेल से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो रैंक करता है वो थंबनेल की वजह से करता है। अगर अच्छा थंबनेल होगा तभी वीडियो रैंक करेगा, नहीं तो बहुत कंटेंट भी अच्छा हो उसके बाद थंबनेल अगर अच्छा ना हो तो ये रैंक नहीं करता है। तो हमको थंबनेल लगाना है, उसके क्या करेंगे, जिस भी वीडियो पे आपको थंबनेल लगाना है उस वीडियो को हम क्लिक करेंगे, और उसको आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो जैसे मेरा ये है आपका मेरा वीडियो है, उस पर आपको देख रहे होंगे पेंसिल का बटन दिख रहा होगा, उस पेंसिल पे आपको टिक करना है। तो पेंसिल जैसे टिक करेंगे फ्रेंड्स, ये ओपन हो जाएगा, फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। नया विंडो ओपन होने के बाद आपको फिर से एक पेंसिल बटन दिख रहा होगा, उस पेंसिल बटन को आप फिर से क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है आपका वीडियो जो है ओपन हो जाएगा, और एक ऑप्शन नया विंडो ओपन हो जाएगा, और उसमें आप देखेंगे डाउनलोड थंबनेल। अगर आपने कोई थंबनेल बना के उस पर डाला हुआ है तो उसको आप भी चेंज कर सकते हैं, अगर पुराने थंबनेल भी हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आपको चेंज का भी ऑप्शन आता है, जैसे ही आप चेंज करेंगे फ्रेंड्स, और आप जो भी थंबनेल लगाना चाहते हैं, नया से लेकर पुराना कोई भी थंबनेल अगर लगाना चाहते हैं जो बनाया हुआ आपने। और अगर थंबनेल बनाने के लिए मैं एक वीडियो और भी बना दिया हूँ जिसपे आप पिक्सल लाइव का यूज़ करके आप थंबनेल बना सकते हैं, एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए। तो फ्रेंड्स, वो आई बटन पे उसका लिंक होगा, आप जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम चलिए देखते हैं, उसके बाद जैसे ही थंबनेल लगाएंगे आप, वो चेंज हो जाएगा आपका थंबनेल। और अभी मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चेंज था। तो फ्रेंड्स, ये था कि अपने यूट्यूब स्टूडियो से जाके थंबनेल लगा सकते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा यूट्यूब स्टूडियो पे, और वीडियोज पे जाके ही क्लिक करना है फ्रेंड्स।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल बीस टेक को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।